हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बताने वाली हूँ, जिसके लिए यहाँ पे हमने तीन कलर लिए हुए हैं। आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी कलर ले सकती हैं और इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकती हैं। तो चलिए हम बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा एक नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताते हैं आपको। तो प्लीज़, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 9 नंबर सिलाई ली हुई है। आप ऊल को फोल्ड करके भी बना सकते हैं, मैं सिंगल ही धागे से आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस तरह से येलो कलर से फंदे डालने हैं, ये देखिए इस तरह से 26 फंदे हम इसमें डालेंगे। इसी तरह से ये देखिए 26 फंदे मैं डाल लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 26 फंदे डाल लिए हैं और 26 फंदे डाल के हम ये देखिए इस तरह से दो सिलाइयाँ हमने इसी तरह से बनानी है। ये देखिए दो सिलाइयां मैं बना लेती हूँ येलो कलर से इसी तरह से, ये देखिए। इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। दो सिलाइयां हमने इसी तरह से दोनों तरफ से, यानी कि 4 सिलाइयां बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयां बना ली हैं। इसके बाद हम ये देखिए उल्टी तरफ है, तो उल्टी तरफ में हमने क्या करना है, 2 फंदे हम यहाँ पे ये देखिए येलो से ही बना लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से ये ब्लू कलर को लगाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लगा लिया है। 2 सिलाइयाँ येलो की बनाने के बाद ब्लू कलर लगा लिया है उल्टी तरफ से, और लास्ट के हमने इस साइड 2 फंदे छोड़ दिए हैं येलो कलर के। लास्ट के भी 2 फंदे हम छोड़ेंगे येलो कलर से ही। ये देखिए तो लास्ट के भी 2 फंदे इस साइड भी छोड़ दिए हैं येलो कलर से। इसके बाद हम यहाँ पे सीधी सिलाई को पूरा इसी तरह से उल्टा बनाते हुए जाएंगे। लास्ट के फिर से हम ब्लू कलर के 2 फंदे छोड़ेंगे। तो अब मुझे ये 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद दोनों तरफ से ब्लू कलर के दो 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 फंदे छोड़ने हैं दोनों तरफ से। बीच तक हम ये देखिए इस तरह से, तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के 2 फंदे छोड़ दिए हैं। इसके बाद हम यहीं से टर्न कर लेते हैं, और जब हम इस साइड आएंगे तो यहाँ पे 2 फंदे छोड़ने हैं, फिर इस साइड आएंगे तो 2 फंदे इधर। दोनों तरफ से फंदे छोड़ते हुए मुझे बीच तक आना है। यहाँ पे बीच तक मैं आ जाती हूँ बनाते हुए। इसके बाद मैं आपको ये देखिए फिर दिखाती हूँ, और कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से दो दो फंदे छोड़ते हुए हम बीच तक आते हैं। इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दोनों तरफ से फंदे छोड़ते हुए बीच तक आ गई हूँ। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये देखिए 2 फंदे हम इनको बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ मैंने इन 2 को छोड़ के 10 फंदे इस साइड छोड़ दिए हैं और 10 फंदे ही इस साइड छोड़े हुए हैं। इसके बाद हम जिस तरह से फंदे छोड़े हैं उसी तरह से ये देखिए ये 2 फंदों को बना लेते हैं। दोनों तरफ से हम दो दो फंदे जिस तरह से छोड़े हैं उसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। देखिए 2 फंदे मैंने यहाँ से बना लिए और यहीं से टर्न कर लेंगे। फिर हमने 4 फंदे बनाए और 2 फंदे मैंने
इस साइड से बना लिए हैं, ये देखिए, और यहीं से टर्न कर लेंगे। फिर जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से दोनों तरफ से ले लेंगे हम सभी फंदों को। ये देखिए, तो यहाँ पे ज़्यादा गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ पे आपको गैप दिखेगा वहीं पे आपने इस तरह से फंदा उठाना है और दूसरे फंदे के साथ ये बना लेना है। ये देखिए इस तरह से दो दो फंदे छोड़े हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ से इसी तरह से दो दो फंदे लेते हुए जा रहे हैं। तो देखिए हम इस साइड से भी दो फंदे लेंगे, तो यहाँ पे हमें गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इस तरह से फंदा उठा लेते हैं और दूसरे फंदे के साथ इसको हम बना देते हैं इस तरह से, और यहीं से टर्न कर लेंगे दोनों तरफ से इसी तरह से। ये देखिए दो दो फंदे लेते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपको दिखा, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से 10 फंदे ले लिए हैं, 10 फंदे इस साइड के और 10 फंदे इस साइड के, जिस तरह से छोड़े थे उसी तरह हमने बना लिए हैं यहाँ पे। अब ये देखिए इस धागे को हम पीछे करेंगे ब्लू कलर के को, और हमने यहाँ पे ये धागा आगे लाना है, ये दो फंदे हमने बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद हम यहीं से अब इसमें 10 फंदों में ये देखिए ऑरेंज कलर लगाएंगे, और आप इसे जो भी कलर आपको पसंद है वो आप इसमें लगा सकती हैं, और किसी भी तरह से इसे यूज कर सकती हैं, थाल पोश की जगह या डोरमेट की जगह या आसन की जगह आप कैसे भी यूज कर सकती हैं इसको। तो यहाँ पे ये देखिए चार फंदे हम बना चुके हैं ऑरेंज कलर के, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे हमने बना लिए, 2, 4, 6, 8, 10 10 फंदे मैंने ऑरेंज कलर के बना लिए। इसके बाद हम यहीं से टर्न कर लेंगे 10 फंदे बनाने के बाद, ये देखिए, और मैं ये एक सिलाई इसी तरह से बना लूँगी, ये देखिए सीधी तरफ को। तो यहाँ पे एक सिलाई हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये 8 फंदे हमने एक एक करके छोड़ने हैं, हमने 10 फंदे लिए हुए हैं, 8 फंदे हम, ये देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करके लास्ट का एक फंदा छोड़ेंगे। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, यहाँ पे मैंने लास्ट का एक फंदा छोड़ दिया है और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। इसी तरह से मैं इसमें यहाँ पे एक एक फंदा करके 8 फंदे छोड़ देती हूँ, यानी कि 8 सिलाइयाँ यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। इसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये 8 फंदे एक एक करके छोड़ दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे जिस तरह से 8 फंदे छोड़े हैं उसी तरह से हम बनाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 8वां फंदा हमने बना लिया है, 7 फंदे भी बाकी हैं, 8 सिलाइयाँ हमारी ये नीचे की तरफ बन गई हैं, ये देखिए इस तरह से। उसी तरह से 8 सिलाइयाँ हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो 8वां फंदा हमने बना लिया है, अब ये देखिए 3 फंदे हो चुके हैं, अब हम यहाँ पे 7वां फंदा बना रहे हैं और यहीं से टर्न कर लेंगे। अब जिस तरह से एक एक फंदा छोड़ा है उसी तरह हम बना के इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 6ठा फंदा बना लिया है, ये देखिए 5 फंदे हमारे पास बाकी हैं। तो जिस तरह से एक एक फंदा छोड़ा है उसी तरह से बना लेते हैं इसको। कि यहाँ पे मैंने 8 फंदे जिस तरह से छोड़े थे एक एक करके उसी तरह से यहाँ पे ये देखिए बना लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे ये एक पत्ती बनके कंप्लीट है। अब ये देखिए दूसरी पत्ती बनाने के लिए फिर से हम ये यहाँ पे आप धागे को कट भी कर सकती हैं, या आप चाहें तो आप इस तरह से ये देखिए वापस हम इसी कलर को लगाएंगे, इस तरह से भी आप लगा सकती हैं। ये देखिए
तो यहाँ पे हम एक पत्ती बना चुके हैं, आठ फंदे हमने बना लिए हैं। इसी तरह से ये डोरमेट हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे हम ये फंदा उठा लेते हैं इस तरह से और दूसरे फंदे के साथ बना लेते हैं। अब हम फिर से दूसरी पत्ती बनाने के लिए हमने येलो कलर लगा दिया है। अब इसी तरह से हम इसमें चार पत्तियां बना के कंप्लीट कर लेते हैं। आधा ही डोरमेट हम आपको बताएंगे, आपने इसी तरह से इसमें पूरा डोरमेट बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से, तो मैं इसमें चार पत्तियां बना लेती हूँ इसी तरह से और आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें चार पत्तियां बना ली हैं इसी तरह से। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह से हमने इसमें 12 कलियां बनानी है। पूरा डोरमेट हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये बिल्कुल आसान है, ये देखिए, और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस तरह से, आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी कलर लगा सकती हैं और इसको आराम से बना सकती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।